फतेहगढ़ में सड़क हादसे में महिला की मौत। पति के साथ ट्रैक्टर से जा रही थी, पुलिया में ट्रैक्टर गिरने से नीचे दबी। गुना जिले के फतेहगढ़ इलाके में गुरुवार रात सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। महिला अपने पति के साथ ट्रैक्टर से घर जा रही थी, इस दौरान ट्रैक्टर बेकाबू होकर पुलिया के नीचे जा गिरा। महिला ट्रैक्टर के नीचे ही दब गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के नाहरगढ़ का रहने वाला रामदयाल फतेहगढ़ इलाके के टीली गांव में बटाई पर खेती का काम करता है। गुरुवार को खेत पर हकाई करने के लिए आया हुआ था। उसके साथ उसकी पत्नी सुशीला बाई भी थी। देर रात तक उसने हकाई की। रात लगभग 9 बजे वह अपनी पत्नी के साथ ट्रैक्टर से अपने घर नाहरगढ़ के लिए निकले। इस दौरान कुम्हारी गांव के पास उनका ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पुलिया में पलट गया। ट्रैक्टर की सीट पर बैठी उनकी पत्नी ट्रैक्टर के नीचे ही दब गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रामदयाल भी घायल हो गए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए हैं। पुलिस को भी सूचना दी गई। कई ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को उठाकर महिला को नीचे से निकाला। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस दोनों को फतेहगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। म्याना की मंडी में अव्यवस्था का दौर जारी। किसानों की पलटी ट्रॉली। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर म्याना में उपमंडी स्थित है, जिसमें हजारों की संख्या में प्रतिदिन किसान अपनी उपज बेचने आते हैं, किंतु यहां अव्यवस्थाओं का दौर लगातार जारी है। हम आपको बताते हैं कि बीते दिन पहले ही किसानों ने म्याना उपमंडी में हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया था, जिसका भी प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ। आज मिली जानकारी के अनुसार ग्राम लहरघाट निवासी जय धाकड़ अपनी फसल को लेकर मंडी में आए थे। इस दौरान उन्होंने मंडी में अपनी ट्रॉली बैक कर रहे थे और लाइन में खड़ा कर रहे थे। इसी दौरान म्याना मंडी में बड़े बड़े टापू होने के कारण उनकी ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें उनकी करीब 50 क्विंटल मक्का की फसल नीचे जमीन पर गिर गई और खराब हो गई। साथ ही म्याना मंडी में पीने के लिए पानी की भी बड़ी समस्या है, जिसके कारण किसानों में बहुत आक्रोश फैला हुआ है। किसान गुना, अशोकनगर, शिवपुरी तीन जिलों से अपनी उपज बेचने यहाँ पर आते हैं, लेकिन म्याना मंडी में पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी मंडी प्रशासन नहीं कर पा रहा है। मात्र एक दो कैंपर के सहारे पानी रखा जा रहा है। हमारे संवाददाता मंडी पहुंचे तो वे भी खाली मिले। म्याना की मंडी केवल दो कर्मचारियों के द्वारा चलाई जा रही है, यहाँ कोई अधिकारी भी नहीं है। कृषि उपज मंडी म्याना में आने वाले हजारों किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। म्याना से मोहन शर्मा की रिपोर्ट। दाखिल है, मैं ग्राम लहरघाट का रहने वाला हूँ। मैं मंडी का ट्रैक्टर लाया था तो बैक करते टाइम ये मतलब कि आपको टापू दिख रहे हैं मट्टी के, तो इन पर बैक करते टाइम चढ़ गई है। तो मंडी में अव्यवस्था है, कहने का तात्पर्य है। अव्यवस्था है, मतलब की भीड़ काफी ज्यादा है और इसके अलावा आवक जावक मंडी में बनी रहती है। फिर भी क्या रहता है इसकी कोई मतलब की देखभाल वाले हैं तो वो काफी ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मंडी में जो आ रहे हैं किसान भाई, उनको बहुत काफी ज्यादा परेशानी आ रही है, जिसके कारण चलते इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, जिससे किसान भाइयों को सफलता पूर्वक लाभ मिले। और इसके अलावा भी काफी बहुत ज्यादा भीड़ पड़ रही है, जिससे बैक करते टाइम बहुत ज्यादा परेशानी आती है। ये टापू वगैरह हट जाए, जिससे किसान भाइयों को ज्यादा लाभ मिलेगा। इससे अगर निकलने के लिए रास्ता बंद हो जाता है ये, तो इधर आप देखो यार बिल्कुल टापू लग रहा है। जहाँ से ट्रैक्टर लग गया तो आगे ट्रैक्टर भी नहीं निकलेगा, ट्रैक्टर नहीं निकल रहा है। और यहाँ पे पानी पीने की किसानों की अवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है पानी पीने की, कोई व्यवस्था नहीं पानी की। तहसीलदार महोदय ने कहा था कि मैं टैंकर उपलब्ध कराऊंगा, टैंकर रखा हुआ है क्या? नहीं हुआ, कोई टैंकर नहीं हुआ। नहीं हुआ टैंकर किसी प्रकार, कोई टैंकर नहीं है, कोई टैंकर नहीं है, कोई व्यवस्था। आपका क्या नाम है? सतीश दागर, किसान। गुना कलेक्टर ने किया एबी रोड पर हो रहे डामरीकरण कार्य का निरीक्षण। शहर के प्रमुख मार्ग एबी रोड पर चल रहे डामरीकरण कार्य का निरीक्षण आज गुना कलेक्टर द्वारा किया गया। इस सड़क निर्माण के कारण स्थानीय निवासियों को धूल और जाम की समस्या को सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए कलेक्टर ने ठेकेदारों को निर्देशित किया कि काम को टुकड़ों में विभाजित करके किया जाए। इससे एक तरफ के यातायात में रुकावट नहीं आएगी और लोगों को असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। डामरीकरण कार्य मारुति शोरूम से लेकर चिंताहरण मंदिर तक किया जा रहा है। कलेक्टर ने इस कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने पर भी जोर दिया है, जिससे राहगीरों को जल्द से बेहतर सड़क सुविधा प्राप्त हो सके। क्या गुना में इंस्पेक्शन किया तो उसमें क्या कुछ कमियां देखने को मिली सर? अभी डामर का काम इन्होंने शुरू किया है, देखा होगा कि जो ये अनरुलेटिंग लाइन को सरफेस को ड्रेसिंग कर रहे हैं, उसके लिए मैंने बोला है कि आप एक बार टेक्निकली चेक कर लीजिए कि जो लूज डस्ट और डाल रहे हैं सिक्स एमएम मिनिमम, उसको देख लें तो किस तरह से मेंटेन होगा, ठीक है, ताकि थिकनेस और स्ट्रेंथ दोनों बनी रहे। ठीक है सर।
शहर में पुलिस अधीक्षक निवास के अंदर ड्यूटी पर उपस्थित कर्मचारियों द्वारा एक बड़े सांप को देखा गया। कर्मचारियों से प्राप्त सूचना उपरांत पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने गुना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रेंजर विवेक चौधरी को सूचना दी। रेंज ऑफिसर गुना दक्षिण विवेक चौधरी ने फॉरेस्ट की एक रेस्क्यू टीम तुरंत रवाना की। टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप की मौजूदगी सुनिश्चित की एवं उसकी पहचान कर उसको सुरक्षित रूप से सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू के पूरे घटनाक्रम के दौरान स्वयं पुलिस अधीक्षक मौके पर उपस्थित रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस अधीक्षक ने फॉरेस्ट टीम से सांप की जानकारी चाही तो फॉरेस्ट टीम से वन रक्षक अभिषेक ओझा द्वारा बताया गया कि यह इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जो अधिकतर रात को निकलता है और हाईली वेनमस सांप होता है। वन रक्षक शिवम उपाध्याय द्वारा जानकारी दी गई कि इस क्षेत्र में पहले रेड स्नेक सर्प कई बार देखा गया है लेकिन कोबरा पहली बार देखा गया है। मौके पर उपस्थित पुलिस अधीक्षक ने फॉरेस्ट टीम को सफल रेस्क्यू के लिए बधाई दी और कोबरा सर्प को सुरक्षित जंगल में छोड़ने के निर्देश दिए। टैंकर ने मारी टवेरा में टक्कर, देवास जिले के रहने वाले परिवार के 6 सदस्य घायल। जिले से निकली हाईवे पर गुना जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर बीती रात एक टैंकर द्वारा टवेरा में टक्कर मार देने के कारण 6 लोगों के घायल हो जाने का समाचार है, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के देवास जिले के ग्राम हाट देवरिया निवासी सुधीर पुत्र ओम प्रकाश वर्मा 39 वर्ष अपने छोटे भाई के लिए लकवा की दवाई लेने के लिए और अन्य परिजनों सहित आगरा के लिए टवेरा से निकले थे। इस दौरान गुना से 17 किलोमीटर दूर हाईवे पर रात लगभग 13 बजे टैंकर क्रमांक MP09JF1767 ने तेज रफ्तार टवेरा को टक्कर मार दी। हैरत की बात यह है कि टक्कर मारने के बाद टैंकर चालक मौके से भाग निकला। इस दौरान दुर्घटना में कार में सवार सुधीर और लीलाबाई सहित 6 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। गुना से बड़ी खबर, जहां संयुक्त कलेक्टर जिया फातिमा की हुई अचानक तबीयत खराब। गुना के जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में कराया गया भर्ती। संयुक्त कलेक्टर जिया फातिमा से देर रात मिलने पहुंचे जिला कलेक्टर। हॉस्पिटल में घूमकर जानी अस्पताल की व्यवस्थाएं, हॉस्पिटल पहुंचकर जाना हालचाल, डॉक्टरों को दिया अच्छे से इलाज करने का निर्देश। गुना पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा के दिशा निर्देशन में साइबर क्राइम सेल की महत्वपूर्ण कार्रवाई। ऑनलाइन ट्रेंडिंग कंपनी में पैसा लगाकर अच्छा मुनाफा कमाने का लालच देकर महिला से ठगे गए 1.40 लाख रुपए कराए वापस। साइबर ठगों द्वारा ठगी के रोज नए नए तरीके निकालकर आए दिन भोले भाले लोगों को अपने झांसे में लेकर उनके साथ ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रकरणों को गुना पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा द्वारा गंभीरता से लेकर ऑनलाइन ठगी के मामले में पीड़ित फरियादियों के थमे गए पैसे साइबर ठगों के अकाउंट से फरियादियों के अकाउंट्स में जल्द से जल्द रिफंड कराए जाने हेतु अपने साइबर क्राइम टीम को निरंतर निर्देश दिए जा रहे हैं। इस क्रम में एक युवती से ऑनलाइन धोखाधड़ी कर साइबर ठग द्वारा ठगे गए 1.40 लाख रुपए साइबर क्राइम टीम द्वारा वापस कराए गए हैं। उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन ठगी से पीड़ित युवती द्वारा पुलिस को शिकायत की गई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके बिटकॉइन ट्रेंडिंग कंपनी में ऑनलाइन पैसे लगाने का अच्छा मुनाफा देने का लालच देकर ऑनलाइन 1.40 लाख रुपए की ठगी की गई है। युवती के साथ हुई 1.40 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी के उपरोक्त प्रकरण के गुना पुलिस अधीक्षक संजय कुमार सिन्हा के संज्ञान में आने पर उनके द्वारा युवती के साथ हुए फ्रॉड के पैसों को उसके बैंक अकाउंट में शीघ्र वापस कराए जाने हेतु अपने साइबर क्राइम सेल को निर्देश दिए गए हैं। निर्देशानुसार साइबर सेल प्रभार निरीक्षक फिरदौस तबस्सुम द्वारा अपनी टीम के साथ प्रकरण में त्वरित कार्रवाई की गई और इसमें सघनता से कार्रवाई करते हुए युवती से ठगी की संपूर्ण राशि 1.40 लाख रुपए साइबर ठग के अकाउंट से युवती के बैंक अकाउंट में वापस करा दिए गए हैं। इसी प्रकार आवेदक लक्ष्य कुमार शर्मा निवासी कोटा राजस्थान का एंड्रॉइड मोबाइल दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को कोटा में कहीं गुम हो गया था, जिसके गुना के किसी व्यक्ति को मिलने पर उक्त मोबाइल के गुना में होने की जानकारी लगने पर राजस्थान से गुना पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। उक्त प्रकरण के गुना पुलिस अधीक्षक संजय कुमार सिन्हा के संज्ञान में आने पर उनके द्वारा उक्त मोबाइल जल्द से जल्द खोजने हेतु अपनी साइबर टीम को निर्देशित किया गया था। निर्देशानुसार साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आवेदक लक्ष्य कुमार का गुम हुआ मोबाइल खोज निकाल लिया गया। साइबर क्राइम सेल गुना की उपरोक्त कार्रवाइयों में साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक फिरदौस तबस्सुम, आरक्षक भूपेंद्र खटिक, आरक्षक कुलदीप भदौरिया और आरक्षक कुलदीप यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना के तत्वावधान में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में न्याय उत्सव विधिक सेवा सप्ताह श्रृंखला कार्यक्रम अंतर्गत शुक्रवार के दिन ग्राम पंचायत खातोली में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर एक विधिक शिविर का आयोजन रखा गया। विधिक शिविर में सुश्री प्रियम सेन व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड चाचोड़ा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुई। प्रियम सेन ने ग्राम पंचायत खातोली की आंगनवाड़ी केंद्र पर उपस्थित महिलाओं को विधिक सेवा संस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। नालसा व सालसा की योजना से भी अवगत कराया गया। विधिक सहायता सलाह संबंधी व कानूनी जानकारी प्रदान की गई। ये नहीं है कि ये सारी चीजें बाहर ही होती हैं। हम सबने देखा है ये सारी चीजें कई बार घर के लोग ही करते हैं। तो आपको अपने बच्चों को इतनी स्पेस देनी पड़ेगी कि वो आपसे आके हर एक बात बता पाए। तो अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए और लड़कियां हैं तो स्पेशली उनका ध्यान रखें। उनको इतनी छूट दें कि वो आपसे आके किसी भी समय किसी भी मुद्दे पे बात कर सके। क्योंकि अगर वो घर पे आके वो बता पाएंगी तभी उस बारे में कुछ हो पाएगा, वरना वो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रॉमा बन के रह जाएगा। वो उनका जो आत्मविश्वास है वही कम हो जाएगा। तो अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, उनको बताएं, उनको अच्छी चीजें सिखाएं। छोटे बच्चों का रेप होना, छोटे छोटे आजकल कोई सुरक्षित नहीं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और हमारा ये दायित्व होता है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि अच्छा स्पर्श क्या होता है, गुड टच बैड टच, मतलब अच्छा स्पर्श क्या है, बुरा स्पर्श क्या है। कई बार छोटे बच्चों को समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो गया है, वो अपने आप को बता भी नहीं पाते क्योंकि उनके हिसाब से उनको नहीं पता ये गलत है ये सही है। तो हम माता होते हुए हम उनको आराम से बिठाल के अपने पास समझाएं कि कोई आपको अगर गलत तरीके से छूता है तो मुझे आके बताओ, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक जो ये बच्चे परेशान होते जाते हैं ना कि अब मैं क्या करूं। चक्र महामंडल विधान का शुभारंभ श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा दयोदय गौशाला पहुंची। स्थानीय बूढ़े बालाजी रोड स्थित दयोदय गौशाला परिसर में आज सुबह श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान और विश्व शांति महायज्ञ का शुभारंभ हो जाने का समाचार है। यह आयोजन आगामी 16 नवंबर तक चलेगा। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह जिला मुख्यालय पर विराजे मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी और निरुपम सागर जी के सानिध्य में स्थानीय चौधरी मोहल्ला स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से शोभा यात्रा शुरू हुई। बैंड बाजों की धुन पर शुरू हुई शोभा यात्रा में आगे आगे मुनि श्री चल रहे थे, उनके पीछे श्रद्धालु श्री जी की पालकी उठाकर चल रहे थे, उनके पीछे अन्य श्रद्धालु महिलाएं चल रही थी। मंदिर से शुरू हुई यात्रा दयोदय गौशाला तक पहुंची जहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और स्थापना के बाद श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान और शांति महायज्ञ का विधिवत शुभारंभ हुआ। इसके पूर्व आज सुबह मंदिर में सामूहिक पूजा अर्चना और शांति धारा आदि का आयोजन भी हुआ। युवक कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित नेहरू युवा केंद्र गुना द्वारा ग्राफिक्स इंस्टीट्यूट गुना में नशीली दवाओं एवं मादक पदार्थों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डायरेक्टर कपिल जैन एवं अध्यक्षता प्रभारी आचार्य श्वेता जैन एवं विशेष अतिथि के रूप में प्रभारी डायरेक्टर रोहित जैन एवं नेहरू युवा केंद्र के उप निदेशक एस एन जयंत रहे एवं रिसोर्स पर्सन के रूप में सुरेंद्र प्रजापति, युवा प्रकोष्ठ जिला संयोजक गुना एवं सुनील सेन दिया संगठन प्रभारी गुना रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत किया गया एवं नेहरू युवा केंद्र और उक्त कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी एवं उद्देश्य उप निदेशक एस एन जैन द्वारा दी गयी। स्वास्थ्य, स्वावलंबन, वृक्षारोपण, विषय मुक्ति, नारी जागरण, कुरुति न्यूनतम, ये सात प्रमुख कार्यक्रम जो सोम से हमारी बाल संस्कार शाला भी चलती है, पुष्पन संस्कार के कार्यक्रम भी चलते हैं, है ना, ये के संस्कार भी चलते हैं, 16 प्रकार के संस्कार। कलचुरी समाज ने मनाया भगवान सहस्रबाहु जन्मोत्सव। लक्ष्मीनारायण मंदिर से निकाली शोभा यात्रा, शुभ विदाई गार्डन में
पूजन के साथ हुआ समापन। कलचुरी समाज द्वारा भगवान सहस्रबाहु जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा जयस्तंभ चौराहा स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से शुरू हुई। शुभ विदाई गार्डन पर शोभा यात्रा का समापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल रहे। कलचुरी समाज के नागरिक शुक्रवार सुबह स्थानीय जयस्तंभ चौराहे पर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर पर एकत्रित हुए। यहां से शोभा यात्रा शुरू हुई। शोभा यात्रा में सबसे आगे समाज के वरिष्ठ नागरिक घोड़े पर सवार होकर चल रहे थे। उनके पीछे समाजजन डीजे की धुन पर नाचते हुए चल रहे थे। उनके पीछे रथ पर भगवान सहस्रबाहु की फोटो रखकर शोभा यात्रा में शामिल हो गई। शोभा यात्रा जयस्तंभ चौराहा, सदर बाजार, सुगम चौराहा, सराफा बाजार, निचला बाजार, हाट रोड, हनुमान चौराहा होते हुए अम्बेडकर चौराहा पर स्थित शुभ विदाई गार्डन जाकर समाप्त हुआ। क्या सब नाम है आपका? जालाराम शिवहर। ये आज जो चल समारोह निकल रहा है, क्षेत्र भाव अर्जुन, भगवान अर्जुन जयंती मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में जरूर निकल रहा है। और ये हाट रोड से होते हुए शुभ विदाई गार्डन गायत्री मंदिर के सामने वह कार्यक्रम हो रहा है। और क्या क्या? हाँ, उसमें बच्चों के कार्यक्रम रहेंगे और बुजुर्ग लोगों के सम्मान किया जाएगा। और इसके अलावा जिन लोगों के बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं उन लोगों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा एवं प्रसादी भोजन की व्यवस्था रहेगी। 4 बजे तक कार्यक्रम कहाँ से शुरू? हम जयस्तम चौरा लक्ष्मण मंदिर से आरम्भ किया है और हाट रोड होते हुए, सदर बाजार हाट रोड होते हुए शुभ विदाई गार्डन में इसका समापन हो जाए। और समाज जनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज की यही है साहब, सभी लोगों में एकता बनी रहे, संकट बना रहे, समाज में सभी लोग एक दूसरे के साथ में रहें, सभी का सहयोग करें, यही हमारी भावना है। एसएफ लाइन 26वीं बटालियन में महिलाओं ने धूमधाम से मनाया छठ मैया का पर्व। एसएफ लाइन 26वीं बटालियन में छठ मैया का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें बटालियन के महिलाओं ने विशेष उत्साह और श्रद्धा से भाग लिया। इस अवसर पर महिलाओं ने पारंपरिक व्रत रखा और पूरे विधि विधान से छठ पूजा की। पर्व के दौरान सभी महिलाएं रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सज धज कर पूजा स्थल पर एकत्रित हुई और छठी मैया और सूर्य देवता को अर्घ अर्पित किया। पूजा के बाद प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें ठेकुआ, फल और अन्य पारंपरिक पकवान शामिल थे। बटालियन के अधिकारियों ने सभी महिलाओं को त्योहारों की शुभकामनाएं दी, इस आयोजन की सराहना भी की। इस प्रकार एसएफ लाइन 26वीं बटालियन में छठ पर्व का आयोजन परंपरा और आस्था को बनाए रखने का उदाहरण बना। Go.